हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीसी सिक्स सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है ऑपरेशन रिसर्च। एंड इसमें आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। इस वाले चैप्टर में जो मेथड यूज होगा वो होगा हंगेरियन मेथड का यूज। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी हंगेरियन मेथड के हेल्प से क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे। ऑल्सो जो मेथड है वो इतना लेंथी है कि आपको वो याद भी करना होगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेता है कि डिफाइन हंगेरियन मेथड, कि हंगेरियन मेथड को डिफाइन कीजिए। तो ये हमेशा आपसे किसमें पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में। और अगर एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको मेथड भी बताना होता है, प्लस उसके साथ में एक असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आपको गिवन होती है जिसको आपको सोल्व करना होता है। तो दीदी असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है, पहले इस बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मेथड पढ़ेंगे एंड अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। क्लियर है? सो देखिएगा एक और चीज की दीदी, ये तो हमारे बहुत बाद में है बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले चैप्टर्स अपने आप में सेपरेट है, इनका पहले वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे, या फिर ये लेक्चर्स नहीं लिए तो आपको पिछले समझ में नहीं आएंगे। सभी अपने आप में सेपरेट चैप्टर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसलिए कवर करा रही हूँ क्योंकि जो चैप्टर्स इजी है एटलीस्ट वो आपके इस मंथ जो है हम कंप्लीट कर ले, ताकि आपका हाफ सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन आपके 110% इन चैप्टर से लगेंगे ही लगेंगे, और इतने इजी क्वेश्चंस होंगे कि अगर आपसे हो गया सॉल्व, मेथड आपको क्लियर हो गया, तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स कहीं पर भी कटने के चांसेस नहीं होते। लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशंस का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही केयरफुली कैलकुलेशन करनी है। इतनी ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ जोड़ना घटाना होता है, लेकिन उसको भी बहुत ध्यान से करना है। अगर एक भी पॉइंट आपका मिस्टेक हो गया तो ये समझ लेना सारी की सारी जो टेबल्स बनेंगी वो गलत, आंसर भी आपका गलत। तो बहुत केयरफुली आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या, तो उसके लिए समझिए असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होते हैं, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, हम तो बुक की लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं असाइनमेंट है क्या। आप सभी क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, अब असाइनमेंट आपको मिलते ही होंगे कॉलेज में। क्या करते हैं, इंटरनल होते हैं आपके, एक्सटर्नल होते हैं, प्लस असाइनमेंट्स बनवाते हैं टीचर। अब इनका मतलब क्या है कि आपको कुछ वर्क दिया जाता है करने के लिए, ठीक है, कुछ आपको करने के लिए दिया जाता है वर्क, आप उसको करके टीचर को सबमिट करते हो, उसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर आप जनरल लाइफ में लेकर के आओ कि कुछ जो पर्सन्स हैं उनको कुछ काम देना, और वो भी इस तरीके से कि हर एक पर्सन को एक यूनिक काम मिल सके। यानी कि सपोज दैट हमने कहा कि हमारे पास पांच काम है, हमारे पास में पांच काम है, हमने माना 1 2 3 4 5, ये पांच काम है। और हमारे पास कितने पर्सन्स है, पर्सन्स भी हमारे पास पांच है, हमने मान लिया उनको ए बी सी डी ई, ये पांच हमारे पास कोई भी काम है, ठीक है। मान लो एक को काम मिल गया घर की देखभाल करने का, एक को किसी चीज का, एक को किसी चीज का, और ये हमारे पास में पर्सन्स हो गए कि एक मतलब रवि है, श्याम है, जो भी है, सोनू मोनू, इस तरीके से पांच हमारे पास पर्सन्स हो गए। अब हमने कहा कि एक कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि किसी काम को बहुत स्पीडली करता है, एक किसी काम को बहुत ही ज्यादा स्पीडली करता है, और हमने माना कि ये किस काम को कर रहा है, इस वन काम को बहुत ही ज्यादा तेजी से कर रहा है। तो हमने कह दिया कि ये वाला जो काम है उसको तो कौन करेगा, ये करेगा। लेकिन जो हमारे पास में बी है, हमने कहा कि जो बी है वो इस काम को बहुत तेजी से करता है, तो हमने कह दिया जी बी को ये वाला काम करना चाहिए, ताकि हमारा काम क्या हो सके, कम से कम समय में हो सके, ये चीज हम लेकर के चलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कहीं कहीं पे, देखो अगर डायरेक्टली सीधी सी बात ये कि अगर हम जनरली बात करें कि मान लिया सी है वो किसी काम टू को बहुत स्पीडली करता है, डी फोर को करता है, ई किसको करता है, फाइव को, तो इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हर एक पर्सन को एक डिफरेंट असाइनमेंट दे सकते हैं जिसमें कि वो कैसे हो, माहिर हो, और अपना हर एक काम बहुत आसानी से कर सके, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो ए जो रवि है वो ऐसा है कि अगर वो देखे तो वो इस वाले काम को भी और इस वाले काम को भी, दोनों ही काम को बहुत शार्पली, बहुत अच्छे से, बहुत स्पीडली, बहुत कम टाइम में कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास में कुछ आइटम्स है, आप कोई आइटम्स बना रहे हो, ठीक है, आपके पास ऑर्डर आया कि हमें ये चीज इतनी देर में चाहिए, हमें ये वाली चीज इतनी देर में चाहिए, अभी ये पांच इंसान है, तो आप क्या करोगे कि कम से कम टाइम में आप उस
ऑर्डर को बना सको, क्योंकि जितने कम टाइम में आप एक इंसान को ऑर्डर बनाओगे, एक दिन में आप ज्यादा से ज्यादा उतनी तो ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो। तो ये वाली चीज हमें देखनी होती है। तो कभी कभी हो क्या जाता है कि जो ए है वो हमारा ए काम, जो हमारा वन वर्क है इसको भी बहुत स्पीडली कर रहा, थ्री को भी कर रहा है। तो अब हमें चूज ये करना है कि अब ये तीन बचे और पर्सन क्या है हमारे पास में, चार है, चार व्यक्ति हैं, काम बचे तीन। लेकिन एक को तो हम दोनों काम नहीं दे सकते, देना हमें क्या पड़ेगा, कोई एक काम ही। तो अब हमें ये चूज करना होता है कि हम इस काम को दें एक को या इस काम को करने को दें एक को, ताकि हम कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा सामान क्या कर सके, बना सके, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आ सके। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम टाइम की बात करें तो मिनिमम टाइम में, या तो आप मिनिमम टाइम ले लो कि बहुत कम टाइम में आप क्या बना लो, बहुत ज्यादा चीज जो है उसको बना लो, जो भी आपको ऑर्डर मिला है बहुत ज्यादा बना लो, या फिर आप कह सकते हो कम से कम लागत में आप क्या कर सको, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको, प्रॉफिट गेन कर सको। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक और अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के देखें इसी का, तो सपोज दैट मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कोई भी क्या हुआ, स्टोर ओपन हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो वहां पे क्या करते हैं लोग कि सबसे पहले कोई भी स्टोर ऐसे ही तो ओपन नहीं हो जाता। अगर आपके मार्केट में कहीं भी कोई भी शॉप ओपन हो रही है तो पहले तो क्या देखते हैं, कोई भी इंसान है वो किसी भी चीज की ओपनिंग करने से पहले वो ये देखता है कि यहाँ पे वो चीज चलेगी नहीं चलेगी, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, उसके बाद में ही वो सब चीजें क्या करता है वहां पे एस्टैब्लिश करता है। तो क्या होता है, हर चीज से पहले प्लानिंग जरूरी होती है। जब भी सपोज दैट ये आपके जो मीशो वगैरह हो जाते हैं, अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए वगैरह वगैरह, जो यहां से वहां डिलीवरी करते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनकी डिलीवरी होती है इधर से उधर इधर से उधर। तो सपोज दैट हमने माना कि कोई भी एक प्लेस यहां पर है, ठीक है, यहां से कोई भी सामान डिलीवर होना है और कहां तक जाना है, हमने कहा यहां से लेकर के, ये हमने मेरठ मान लिया और हमने कहा कि ये सामान डिलीवर कहां तक होना है, दिल्ली पे। अब मेरठ से लेके दिल्ली के बीच में भी तो बहुत सारी जगह पड़ेंगी। सपोज दैट हमने मान लिया यहाँ पे आपका कोई अनदर प्लेस है, यहाँ पे कोई अनदर है, यहाँ पे कोई अनदर है, यहाँ पे कोई और है, ठीक है। अब आप इनको कुछ भी लाइट कर सकते हो, मुझे नहीं पता कौन कौन सी जगह पड़ेंगी। तो सपोज दैट ये हमारे तीन से चार क्या हो गए, गांव शहर जो भी कुछ है वो पड़े मेरठ से दिल्ली के बीच बीच में। तो अब होगा क्या कि जो यहाँ पे इंसान होगा उसे कोई चीज डिलीवर करनी है, कहाँ डिलीवर करनी है, या तो हो सकता है यहाँ पे डिलीवर करनी हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे करनी हो, या फिर हो सकता है इन तीनों जगह करनी हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन एक दिन में मान लो वो सिर्फ यहाँ तक जा सकता है, एक दिन में वो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा वो किसी भी रीजन की वजह से। तो कंपनी जो होगी जब इसको पैसे देती है, किसी भी डिलीवरी बॉय को जो पैसे देती है, तो उसमें वो क्या चीज तय करती है कि भाई तुम्हें ये कोई भी ऑर्डर है, ये ऑर्डर तुम्हें कहां तक देके आना है कि तुम्हें इस जगह तक ऑर्डर दे करके आना है। लेकिन अगर तुम बीच में से ही वापस आओगे तो तुम्हारा जो भी खर्चा होगा, भी मान लो उसकी बाइक या कार यहां तक गई, यहां तक जितने का पेट्रोल लगा कंपनी दे रही है अपनी साइड से, लेकिन अगर वो यहां से यहां जाता है फिर यहां जाता है फिर वापस आ जाता है, तो कंपनी क्या करती है एक शेड्यूल बना के देती है कि तुम्हें यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। वो ये नहीं कहेगी पहले तुम यहां से यहां जाओ फिर अपने घर वापस आओ, फिर अगले दिन यहां से यहां जाओ फिर वापस आओ अपने घर पे, फिर यहां से वहां जाओ, क्यों, उसमें क्या होगा खर्चा ज्यादा होगा। तो एक ऐसा प्लान करती है कि जिससे कम खर्चे में वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर सेल कर सके, ताकि उसे प्रॉफिट क्या हो ज्यादा हो। तो मिनिमम कॉस्ट में वो क्या कर सके, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सके, ऐसी प्लानिंग्स होती हैं। तो इसीलिए उन प्लानिंग को करने के लिए वो ऐसी नहीं कि कहीं से भी आ जाती हैं, उन सभी के लिए किसका यूज किया जाता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये सब अलग अलग फील्ड में अलग अलग होती है, जैसे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हो गई जॉब्स के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाएंगी, ये आपका न्यू चैप्टर होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, इसी टाइप की चीजें जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देकर के बताया किसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के, यहाँ से ये चीज यहाँ पे गई, यहाँ से ये चीज यहाँ पे गई, या फिर इधर से उधर वो इंसान इस टाइम की फ्लाइट में गया इस टाइम गया। तो ये सब चीजें अलग अलग उसमें होती है फील्ड में, तो अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनका जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स के थ्रू निकाला जाता है कि अगर ये इंसान है तो इसको कितने काम दिए जाएंगे। जैसे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में मेनली आपको पर्सन्स गिवन होंगे, जॉब्स गिवन होंगी, किसने काम इतने टाइम में कर लिया, ये काम इतने वाले टाइम में कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या होता है कि कम टाइम में या फिर कम कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट हम गेन कर सके। क्लियर है बात। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये हमारा मेन पर्पस होता है इन प्रॉब्लम्स के लिए।
अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में है द क्लासिकल प्रॉब्लम्स वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू असाइन अ नंबर ऑफ ऑरिजन्स या फिर जॉब्स टू द इक्वल नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस या पर्संस एट अ मिनिमम कॉस्ट आर कॉल्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। यानी कि वे क्लासिकल प्रॉब्लम्स वेयर जहां पर जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी मेन पर्पस होता है, जैसे कि कोई भी कंडीशन है उसको देने के लिए एक ऑब्जेक्टिव, एक तरीके से उद्देश्य आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हो, इज टू असाइन, वो क्या होता है कि कोई भी असाइन करना मतलब किसी को वो काम दे देना। अ नंबर ऑफ जॉब्स, जो भी जॉब्स होती है, नंबर ऑफ जॉब्स यानी कि जितनी भी जॉब्स है टू द इक्वल नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि सपोज दैट अगर हमारे पास में 5 जॉब है तो वो कितने लोगों को मिलेंगी, 5 ही लोगों को मिलेंगी, किसी एक को 2 जॉब्स असाइन नहीं की जा सकती, किसी भी एक पर्सन को 2 काम असाइन नहीं किए जा सकते, तो एक सिंगल पर्सन को एक ही जॉब मिलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ जॉब्स है वो इक्वल नंबर ऑफ पर्सन में क्या की जानी चाहिए, असाइन की जानी चाहिए। तो इस कंडीशन में एट अ मिनिमम कॉस्ट, किस पे मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट कैसी हो, मिनिमम हो और मैक्सिमम प्रॉफिट, और जब कॉस्ट मिनिमम हो और मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो, आर कॉल्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम। अगर कोई आपसे जनरली पूछे असाइनमेंट प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हो क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि वो क्लासिकल प्रॉब्लम जहां पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ पर्संस को इक्वल जॉब्स असाइन करना, और वो भी मिनिमम कॉस्ट पे, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है 2 नंबर में आपसे पूछे कि गिव द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो क्या होगा, मैथमेटिकली एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसको, मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, जो भी टोटल कॉस्ट होगी उसको क्या करना है आपको, मिनिमाइज करना, यानी कि जेड इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, समेशन जे इज इक्वल्स टू 1 to n सी आई जे इंटू एक्स आई जे, आई और जे की जो वैल्यूज है वो 1 से लेकर के कहां तक टेंड करेंगी, एन तक टेंड करेंगी। ऑल्सो जो एक्स आई जे है इसकी वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, एंड 1 कब होगी, इफ आईएन पर्सन इज असाइन टू द जेथ जॉब, यानी कि जो पर्सन है आईएन पर्सन यदि जेथ जॉब के लिए असाइन किए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक्स आई जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 0 कब होगी, इफ नॉट, यदि नहीं असाइन किए जा रहे हैं तो एक्स आई जे की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। तो आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है, क्योंकि ये भी आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं कि डिफाइन असाइनमेंट प्रॉब्लम, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको याद होना चाहिए क्या होता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद में हंगेरियन मेथड पढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। सो देखिएगा, हंगेरियन असाइनमेंट मेथड आपके सामने लिखा हुआ है, और ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेप 3 तक आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो 4 बनाए हुए हैं बॉक्सेस से, ये आपके इससे रिलेटेड नहीं है, एक क्वेश्चन है जिसको आपको हैंड टू हैंड मेथड आपको बताती चलूंगे, उसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते चलेंगे, ताकि आपको साथ के साथ समझ आता रहे कि आपको मेथड में क्या कहा है और आप कर क्या रहे हो। अदरवाइज मैं ऐसे आपको डिटेल में समझाऊंगी तो सब कुछ आपके दिमाग से ना फिर ऊपर चला जाएगा कि पता नहीं दीदी क्या बता रही है, और वीडियो को बंद करके आप रख दोगे। तो इसलिए इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ये तो आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। और अगर आपसे इस हंगेरियन मेथड को पूछ लेगी डिफाइन हंगेरियन मेथड, तो आपको डिटेल में लिखना होगा जितनी भी थ्योरी लिखाऊंगी, वो फिजिक्स केमिस्ट्री का ये समझ लेना है, एक क्वेश्चन आप किस में भी लर्न कर रहे हो, मैथ्स में भी लर्न कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हंगेरियन असाइनमेंट मेथड का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या कहता है, कि सब्सट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव रोज। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपके पास कॉस्ट मैट्रिक्स है जो कि आपको गिवन होगी, उसके हर एक रो के सबसे जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको आप क्या कर दोगे, रो के सभी एलिमेंट्स में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे। कॉस्ट मैट्रिक्स में जो भी आपकी रोज होंगी, हर एक रोज में से जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा उसको आप कंप्लीट रो में से क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉलम। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि जो भी आपके पास में कॉलम्स है, हर एक कॉलम में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, किसको, सभी एलिमेंट्स को। कैसे करेंगे वो समझेंगे, एक बार पहले देखो बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, उसके बाद में ना आपको डिटेल में चीजें क्लियर करती चलूंगी।
क्वेश्चन में आपसे कहा है कि अ डिपार्टमेंट हेड हैज फोर सबॉर्डिनेट्स एंड फोर टास्क हैव टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि डिपार्टमेंट का जो हेड है उनके पास कौन है, चार सबॉर्डिनेट्स हैं और उनके पास चार ही क्या है, टास्क है उनको देने के लिए। सबॉर्डिनेट्स डिफर इन इफिशियंसी एंड टास्क डिफर इन देयर इंट्रिंसिक डिफिकल्टी। जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कैसे है, डिफर है इफिशियंसी में, यानी कि हर किसी की जो योग्यता है, जो इफिशियंसी है, वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। और जो टास्क है डिफर इन देयर इंट्रिंसिक डिफिकल्टी, और टास्क भी क्या है, अलग अलग है अपने इंट्रिंसिक डिफिकल्टी के पे बेस्ड। टाइम ईच मैन वुड टेक टू परफॉर्म ईच टास्क इज गिवन इन द इफेक्टिवनेस मैट्रिक बिलो, मैट्रिक्स बिलो, यानी कि हर एक आदमी जो टाइम ले रहा है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में, यानी कि भाई देखो कोई भी इंसान है वो किसी भी काम को करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ही, तो ये चीज कही कि कोई भी जो मैन है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में जो टाइम ले रहा है वो किस में दिया हुआ है, मैट्रिक बॉक्स में, जो भी मैट्रिक्स बॉक्स आपको गिवन है उसमें दिया हुआ है। हाउ शुड द टास्क बी एलोकेटेड वन टू अ मैन सो एज टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स, यानी कि आपसे कहा है कि आपको बताना है हाउ शुड द टास्क बी एलोकेटेड, यानी कि जो टास्क हैं उनको कैसे एलोकेट किया जाए वन टू अ मैन, ताकि एक इंसान को केवल एक ही टास्क मिले, सो एज टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स, जिससे कि जो टाइमिंग है वो कम कंज्यूम हो। यानी कि इन्होंने कहा है कि आपके पास में सबॉर्डिनेट्स दे दिए और टास्क दे दिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि कुछ टास्क हैं, कोई भी डिपार्टमेंट का हेड है उसने कहा कि मेरे पास चार तो सबॉर्डिनेट है, यानी कि चार तो इंसान है जो कि सबॉर्डिनेट्स हैं और चार ही टास्क है, ठीक है। तो उसे क्या करना है कि चारों टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है चारों पर्सन को, जो भी चारों सबॉर्डिनेट है। तो अब किस फॉर्म में उनको एलोकेट किया जाए कि जिससे जो हर एक इंसान है, जो हर एक सबॉर्डिनेट है, वो हर एक टास्क को कंप्लीट करने में कम से कम टाइम ले। तो टाइमिंग आवर्स को क्या करना है, मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस एलपीपी को सोल्व करना होगा। मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व किससे करेंगे, हंगेरियन मेथड से। अब अपने फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमसे क्या कहा है कि सबस्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो, यानी कि हर एक रो का जो भी सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा उसको सबस्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव रो, उस रो के हर एक एलिमेंट से। अब सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर देखें, सबसे स्मॉल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कौन सा होगा, 8, 26, 17, 11। अब ये तो आप सभी को पता है, रोज को आप कैसे काउंट करते हो, इस तरीके से, और कॉलम्स क्या होंगी, इस फॉर्म में होंगी, क्लियर है बात। अब सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है वो कौन सा है, तो आप कहोगे दीदी 8 है, तो 8 को क्या कर दो, इस रो के हर एक एलिमेंट में से सब्सट्रैक्ट कर दो। 8 में से 8 गया कितना आ जाएगा, 0। 26 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, यहां पर 18 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 17 में से अगर आप 8 को माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 9 बचेगा यहाँ पे। 11 में से अगर आप 8 को माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 3 आएगा। ये एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप करो सॉल्व तो अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे फिंगर्स रख के देन सॉल्व करना, अदरवाइज छोटी सी मिस्टेक और आपका कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। फिर नेक्स्ट पे आओ, जो आपकी नेक्स्ट रो है इसमें देखो सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहोगे दी 4 है। अगर हम 4 की बात करें, 13 में से आप 4 को माइनस करो आपके पास में क्या आएगा, 9 आ जाएगा। फिर 28 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। 4 में से 4 को माइनस कर दोगे 0 आ जाएगा। 26 में से 4 को माइनस कर दोगे तो 22 आ जाएगा। नेक्स्ट आइए 38, 19, 18 और 15, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 15 है, 15 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए सब में से। 38 में से माइनस करोगे आप 15 को तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 19 में से आप 15 को माइनस कर दोगे तो आपके पास में 4 आ जाएगा। 18 में से 15 को माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 15 में से 15 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें 19, 26, 24 और 10, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 10 है। 10 को माइनस कीजिए, 19 में से 10 को माइनस करोगे तो 9, 26 में करोगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 24 में से कर दोगे तो 14 आ जाएगा, और 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, ये वाली लाइन लिख दोगे, उसके बाद में ये वाली मैट्रिक्स बनाओगे, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, स्टेप फर्स्ट वाली,
क्लियर है। तो जब भी आप क्वेश्चन को इसको सॉल्व करोगे, स्टेप वन लिख करके यहां से यहां तक लिखोगे, देन ये वाली मैट्रिक्स बनाओगे। फिर नेक्स्ट आएगा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम, हर एक कॉलम का जो मिनिमम एलिमेंट होगा फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव रो, उसको आप क्या कर दोगे, सबस्ट्रैक्ट कर दोगे हर एक एलिमेंट से, कॉलम के हर एक एलिमेंट से। यानी कि अब देखो आपको वापस इस पे नहीं आना, इस पे आ जाना है। ये हमारे पास में क्या आ गई है मैट्रिक्स, स्टेप वन से हमने इस वाली मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अंदर देखना है आपको, कॉलम के अंदर से। अब अगर मैं फर्स्ट कॉलम में देखूं तो फर्स्ट कॉलम में सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है। तो जीरो को आप सभी एलिमेंट में से माइनस करोगे तो आपको जीरो माइनस जीरो जीरो, और बाकी सभी एलिमेंट एज इट इज मिल जाएंगे, 9, 23 और 9। फिर नेक्स्ट अगर आप रो कॉलम में आओगे तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहोगे 4। तो 4 को सब्सट्रैक्ट कर दो, 18 में से 4 गए 14, 24 में से 4 गए 24 माइनस 4 0, 16 में से 4 गए 12 आ गया। फिर नेक्स्ट में अगर आप देखो तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसका मतलब सभी एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में अगर आप देखोगे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है तो सभी एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे। आई होप दोनों स्टेप में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में आपसे कहा है स्टार्टिंग विद रो वन ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेंड इन स्टेप सेकंड। यानी कि जो आपके पास में स्टेप सेकंड आया है, ये हमारे पास में सेकंड स्टेप है, इसमें जो भी मैट्रिक्स हमें मिली है उसकी अगर हम फर्स्ट रो से स्टार्टिंग करें, उसकी फर्स्ट रो से स्टार्टिंग करें, एग्जामिन रो सक्सेसिवली अंटिल अ रो विद एग्जैक्टली 10 एलिमेंट इज फाउंड। हर एक रो में क्या होना चाहिए, एक जीरो एलिमेंट जरूर होना चाहिए। यानी कि जो स्टेप टू में हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, इसकी अगर हम फर्स्ट रो से एग्जामिन करें, फाइंड आउट करें, तो हर एक रो में एक जीरो जरूर होनी चाहिए। इसमें एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें दो जीरो है, इसमें एक जीरो, तो कम से कम एक जीरो तो सभी रो में है। मार्क दिस, यानी कि ऐसा डिब्बा बना देना है एट दिस जीरो, इस जीरो पे मार्क क्रॉस एस एट अदर जीरो इन दी कॉलम, और उस कॉलम में जो अदर जीरोज हैं उन पे आप क्या कर दोगे, कट का साइन कर दोगे। कंटिन्यू इन दिस मैनर अंटिल ऑल द रोज हैव बीन एग्जामिन, जब तक कि सभी रोज जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। मतलब क्या है, देखो अगर हम फर्स्ट रो की बात करें, फर्स्ट रो में कितनी जीरो है फर्स्ट, तो इस वन इस एक जीरो पे आप इस तरीके का बॉक्स बना दोगे, बना दिया। अब सेकेंड रो में आओ, सेकेंड रो में जीरो कहाँ है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, जब आपने इस जीरो पे ब्रैकेट बनाया तो क्या इस कॉलम में या इस रो में कोई जीरो है, नहीं है। अगर होती तो उस पे हम कट का साइन बना देते, ठीक है। अब सेकेंड आओ तो 9, 20, 0, ये रहा जीरो। अगर हम इस जीरो पे ये वाला बनाए तो देखना इस कॉलम में या इस रो में, जिसमें यह असाइनमेंट आ रहा है, इस कॉलम में इस रो में कोई अनदर जीरो है, नहीं है। फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट अगर हम देखें ये वाली, तो इसमें कितनी पड़ रही है, दो जीरो आ रही हैं, दो जीरो आ रही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, हमें तो नहीं पता कि हमें किस पे बॉक्स बनाना चाहिए, तो इसको भी छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट रो पे आओ तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक ही जीरो आ रही है, तो इस पे आप ब्रैकेट बनाओ। अब ये जो जीरो पे हमने क्या बनाया, बॉक्स बनाया, इस रो में या इस वाली कॉलम में कोई भी अगर और जीरो होगी तो उस पे आप क्रॉस बना दोगे। जैसे कि इसमें देखोगे तो इसमें ये जीरो आ रही है, तो इस पे आपने क्रॉस का साइन बना दिया। क्लियर हो गई बात, ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब इसके अगर हम सेकंड पार्ट में आते हैं तो क्या कहा है, आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल दी रोज, जब आप सभी रो को एग्जामिन कर लो कंप्लीटली, प्रोसीड सिमिलरली एग्जामिनिंग इन द कॉलम, सेम आपको ऐसा ही प्रोसीजर किस में अप्लाई करना है, कॉलम्स में अप्लाई करना है। यानी कि अब हमने किस में देखा था, रो में देखा था, सेम एज इट इज आप कॉलम में देखोगे, तो सबसे पहले अगर आप इस कॉलम में देखो कोई जीरो नहीं है, अगर आप सेकेंड कॉलम में देखोगे तो एक जीरो आ रही है ये वाली। अब ये जिस कॉलम में आई, यानी कि यहां पे आ रही है, तो यहां पे कोई अदर जीरो नहीं है, अगर यहां पे देखें तो एक जीरो थी, उस पे ऑलरेडी क्रॉस है, तो हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंटिन्यू दीज ऑपरेशंस अंटिल वी रीच टू एनी ऑफ द टू सिचुएशंस। ये प्रोसीजर हमें कब तक करना है, जब तक कि हम दो सिचुएशंस पे ना पहुंच जाए। कौन कौन सी पे, फर्स्ट है ऑल दी जीरोज आर मार्क्ड और क्रॉस, यानी कि सभी जीरो या तो मार्क्ड रोज आनी चाहिए या फिर क्रॉस होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी जीरो है या तो सबके ऊपर
मार्क है बॉक्स से या फिर जो एक जीरो बची हुई है वो क्रॉस्ड है, क्या इससे अलग कोई भी जीरो है? नहीं है। तो या तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए या दूसरी कंडीशन क्या है, द रिमेनिंग अनमार्क्ड जीरोस लाइज एटलीस्ट टू इन ईच रो एंड कॉलम, या फिर कम से कम कैसी हो, दो जीरो बच रही हो, या तो कोई भी जीरो ना हो, सभी जीरो पे मार्क्ड भी हो और क्रॉस भी हो, या फिर दो जीरो बच रही हो जो कि ना तो मार्क्ड हो ना ही क्रॉस्ड हो। तब तक आपको इस प्रोसेसर को अप्लाई करते रहना है। तो अब हमें यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिलने का मतलब क्या है एक्चुअल में कि अब ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये सबसे इजी वाला बताया है मैंने आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये सबसे इजी है, जिसमें सिर्फ यहां तक के तीन स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। जब आप हंगेरियन मेथड को डिफाइन करोगे ना तो वहां पर आप सिर्फ तीन मेथड्स तक नहीं बताओगे, वहां पर आपको कंप्लीट प्रोसेसर लिखना होगा, टफ से टफ जो इसकी हाईएस्ट फॉर्म बन रही है वहां तक। तो यहां पर आपको जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया वो यहीं पर मिल गया, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो हमारे पास में ए है, अगर हम ए की बात करेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी और ये 1 2 3 4 करके था ना, 1 2 3 4 इस तरीके से करके। तो अगर आप देखो कि ए को कौन सा असाइनमेंट मिल रहा है, फर्स्ट वाला, फिर अगर हम बी को देखें तो बी को असाइनमेंट कौन सा मिल रहा है, थर्ड वाला, फिर अगर हम सी को देखें, सॉरी ए जो टास्क है वो किसे मिल रहा है, फर्स्ट सबऑर्डिनेट को, बी टास्क किसे मिल रहा है, थर्ड सबऑर्डिनेट को, अगर हम सी की बात करें तो सी टास्क किसे मिल रहा है, सेकंड सबऑर्डिनेट को, और डी टास्क किसे मिल रहा है, फोर्थ सबऑर्डिनेट को, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस कंडीशन में हम क्या निकाल सकते हैं, इसके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके लिए हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो। क्लियर है बात? लेकिन एक्चुअल में आपसे क्या पूछा था कि आपको क्या बताना था, यहाँ पे इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो यही होगा, क्योंकि हमें ये बताना था कि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में हम क्या कर सकते हैं, किस सबऑर्डिनेट को कौन सा टास्क दे ताकि वो मिनिमम आवर्स में क्या कर सके, उन टास्क को कंप्लीट कर सके। तो अब हमें पता कैसे चलेगा, देखो तो जो टाइमिंग होगा, मिनिमम टाइम आवर्स, वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, एक किस पे गया, ए को जो हमारा फर्स्ट सबऑर्डिनेट है उसे टास्क ए मिला, तो यहाँ पे देखो जिस भी असाइनमेंट पे, यानी कि जिस भी जीरो पे असाइनमेंट बन रहा है उसको आप फर्स्ट वाली जो आपकी इनिशियल मैट्रिक्स है उसके अंदर देखोगे, इस पे बन रहा है तो ये कितना है, एट है, तो एट प्लस, फिर इसमें थर्ड पे तो थर्ड में कितना है, फोर है प्लस, फिर यहाँ पे आओ यहाँ पे कितना है, 19 है, फिर प्लस वहां पे फोर्थ यानी कि 10 ऐड कर दो इन सभी को, कितना आ जाएगा आपके पास में, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 19 41, तो 41 क्या आ जाएगा इसमें आपका रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको कराया इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मिनिमम जो टाइम आवर्स लगेंगे वो कितने लगेंगे, 41 आवर्स लगेंगे। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है और ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इसके मैंने थर्ड पार्ट तक आपको बताया है, एक साथ पूरा का पूरा हंगेरियन मेथड मैं आपको नहीं बता रही, क्योंकि क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, सिर्फ पहले आपको ये तीन स्टेप्स देखने हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है, तीन स्टेप तो हर एक क्वेश्चन में होंगे, अब इसके साथ साथ आगे क्या होंगे, इंक्रीज ही होते जाएंगे, लेकिन ये यहाँ तक के स्टेप सभी में सेम रहेंगे। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या बताया आपको, कि जो भी आपके पास में मैट्रिक्स गिवन है उसमें आप हर एक रो में मिनिमम एलिमेंट देखोगे और उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे हर एक एलिमेंट से, तो एक मैट्रिक्स बन गई। अब जो मैट्रिक्स आई है उसमें सेम ऑपरेशन किस में अप्लाई करोगे, कॉलम में, यानी कि कॉलम के हर एक जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे सभी एलिमेंट से। फिर जो आपके पास में मैट्रिक्स बनेगी उसके अंदर आप देखोगे रो में कितनी जीरो आ रही है, जो एक जीरो आ रही है तो उस जीरो पे आप किसका साइन बना दोगे, कोई भी बॉक्स ड्रॉ कर दोगे, और उस रो में या उस कॉलम में, उस जीरो पे जहां पे वो जीरो है, वो जीरो जिस कॉलम में और जिस रो में आ रही है उसमें उससे अलग अगर कोई भी अनदर जीरो है तो उस पे आप क्या करोगे, क्रॉस का साइन लगाओगे। ठीक है, सेम यही प्रोसेस करते जाओगे, सेम ऐसे अगर मान लो किसी भी रो में दो जीरो आ गई तो उसको एक मिनट के लिए आप छोड़ दोगे, फिर उससे अगली रो में देखोगे, उससे अगली रो में भी सेम ऐसे करोगे, जो भी जीरो होगी उस पर असाइनमेंट बनाओगे और उस कॉलम में, यानी जिस भी कॉलम में वो रो क्या करेगी, जीरो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, उस जीरो से अलग जो कोई भी जीरो होगी उस पर आप क्रॉस कर दोगे।
ठीक है। सेम फिर यही प्रोसेसर आपको किसमें अप्लाई करना है, कॉलम्स के लिए, कि कॉलम में आपको देखना है कि कौन कौन सी जीरो ऐसी जिस पे असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट बनाओगे उससे अलग जो भी जीरो होगी उसको क्रॉस कर दोगे। कहां तक करोगे प्रोसेसर, जब तक कि सभी जीरोस जो है वो कवर्ड ना हो जाए बॉक्सेस से और क्रॉस्ड के साइन से। क्लियर है। इस टाइप से आपको क्या मिल जाएगा, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिनिमम 41 आवर्स में, अगर ए हमारे पास में बात करें जो ए टास्क है, अगर फर्स्ट सबॉर्डिनेट ए टास्क को कंप्लीट कर रहा है, थर्ड सबॉर्डिनेट बी टास्क को, सेकंड सी को और फोर्थ डी को, तो उस कंडीशन में कम से कम टाइम 41 घंटों में, 41 आवर्स में वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी और जनरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया हो तो बता देना कि हाँ दीदी क्लियर हो गया है। इससे आगे कल को करेंगे और क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए भी बहुत सारे दिए जाएंगे, इसलिए मेथड को साथ के साथ समझते हुए चले और यहां तक के स्टेप्स आपको याद करने हैं। ये मत सोचना है दीदी ऑनलाइन पढ़ाने कोई दिक्कत नहीं, जितने भी रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको क्या करोगे अभी या फिर मॉर्निंग में लर्न कर लेना कल का लेक्चर आने से पहले पहले, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अभी हाँ एक और बात कि अगर आप छोटा छोटा करके याद करोगे पैरावाइज तो आपको इजीली याद हो जाएगा, बाकी अगर आप देखोगे ना कि दीदी ने 3-4 बार कोड भर दिया फिर तो आपके सिर से ऐसे जाएगा कि पता नहीं दीदी ने इतना सारा करा दिया हम कैसे याद करें, क्योंकि 2-3 पेज में आपका ही कवर होगा जाकर के नोटबुक के अंदर भी। क्लियर है बात। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।